हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुल्तान और आज हम जानने वाले हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि लीवर में सूजन आना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। लीवर एक बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलो के आसपास होता है। हेपेटाइटिस में क्या सिम्टम्स आएंगे, उसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, इन सब चीज़ों के बारे में शॉर्ट में हम जानने वाले हैं। तो हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या होता है? हेपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन, लीवर में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से कॉमन सिम्टम्स देखने मिलते हैं, जैसे कि नॉजिया होता है, वोमिटिंग, एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो सकता है, इम्यूनिटी कम हो सकती है, जैसे कि लीवर का काम है कि अल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स बनाना, और इम्यूनिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीवर। दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर्स है कि जो बनाना लीवर का काम है, जिसके कम होने की वजह से ब्लीडिंग में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन में हेल्प करना, उसमें जो फैट है, फैट का डाइजेशन करना, इसका भी काम लीवर का ही होता है। लीवर में जो बाइल प्रोड्यूस होता है, वो बाइल आकर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और उसका यूज़ होता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में। इसके अलावा बॉडी वेट रिड्यूस हो सकता है, पेशेंट को जनरल थकान महसूस हो सकती है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये जनरल सिम्टम हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बॉडी में जमा हो सकते हैं अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम होता है, लीवर में स्वेलिंग होती है, तो जैसे कि अमोनिया का बॉडी ब्लड में बढ़ जाना। अमोनिया ब्लड में बढ़ने की वजह से वो ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में जाने की वजह से पेशेंट में इरिटेबिलिटी हो सकती है, साइकोटिक सिम्टम्स आ सकते हैं, कोमा हो सकता है, और कोमा में जा सकता है पेशेंट और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह से पेशेंट के लीवर में स्वेलिंग आने की वजह से सिम्टम्स डेवलप होते हैं। अब हम हेपेटाइटिस बी के बारे में स्पेसिफिकली जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये रेजर्स, अगर हम हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड पर्सन के रेजर्स यूज कर रहे हैं, या फिर ड्रग अब्यूज़र्स जो कि कॉमन नीडल से ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद जो टैटू ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी एक कॉमन नीडल होती है जिसका यूज़ बार बार किया जाता है, और टैटू एक ही नीडल से सभी लोगों पर टैटू ड्रॉ किए जाते हैं, तो ऐसे केसेस में हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन बहुत इजीली होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि सीमेन, इसमें से भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसफ़र हो सकता है। जो लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसफ़र होने का धोखा होता है। हेपेटाइटिस बी एक प्रिवेंटेबल, टोटली प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। हेपेटाइटिस बी के ऊपर एक हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है जो कि 0, 1 और 6 मंथ पे लगाया जाता है। तो अगर जो लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है तो वो लोग वैक्सीन ले सकते हैं। हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन मदर टू चाइल्ड भी होता है, जैसे कि डिलीवरी के वक्त मदर से बच्चे में हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन हो सकता है अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो। और जो हेपेटाइटिस बी मदर से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है वो हेपेटाइटिस बी लाइफ लॉन्ग रहता है, वो क्योर नहीं होता, क्योंकि हेपेटाइटिस वायरस एक डीएनए वायरस है जो कि ह्यूमन के लीवर के डीएनए में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेपरेट होना पॉसिबल नहीं होता। और जो लोगों को हेपेटाइटिस अडल्ट स्टेज में ट्रांसफ़र होता है, ऐसे केसेस में से 5-10% केसेस ही है जो कि क्रॉनिक स्टेट में जाते हैं, बाकी 90% केसेस में हेपेटाइटिस बी को, बी वायरस को अडल्ट पर्सन की बॉडी किल कर देती है और वो उससे टोटली रिकवर हो जाता है। तो वही हेपेटाइटिस बी जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हुआ या फिर बचपन में ट्रांसमिशन हुआ है उसका, वो हेपेटाइटिस बी का कन्वर्जन क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हेपेटाइटिस बी में क्रॉनिक इन्फेक्शन होने के बाद में क्या स्टेज होते हैं, पहले लीवर पे इन्फ्लेमेशन होता है, वो जिसे हम कहेंगे एक्यूट हेपेटाइटिस बी, और उसके बाद में उसके सिम्टम्स आते हैं उसे, फिर कुछ वक्त के बाद में उसका क्रॉनिक, कुछ महीनों के बाद में उसका क्रॉनिक में कन्वर्जन हो जाता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी जिसे कहेंगे हम। तो और उसके बाद में उसमें लीवर में सिरोसिस हो सकता है, और सिरोसिस होने के बाद में कुछ पेशेंट में लीवर कैंसर डेवलप हो सकता है। तो जो पेशेंट में लीवर सिरोसिस हो गया है उनका लीवर टोटली डैमेज होता है और वो काम नहीं करता है, जिसकी वजह से उसका एक ही ऑप्शन होता है कि लीवर ट्रांसप्लांट करना, यही उसके लिए फाइनल ऑप्शन है।
और जो पेशेंट में लीवर सिरोसिस के जो पेशेंट है उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उन्हें लीवर कैंसर डेवलप हो जाएगा, और लीवर कैंसर डेवलप हो गया है ऑलमोस्ट पेशेंट का डेथ होना तय होता है। और हिपेटाइटिस बी में जब पेशेंट्स को ऐसे सिम्टम आते हैं कि जैसे असाइटिस हो रहा है, कि उसका प्रोटीन लूज हो रहा है, प्रोटीन रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से असाइटिस हो रहा है, या फिर बायलैटरल पेडल एडिमा हो रहा है, पैरों पे सूजन आ रही है, तो ये पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो गई ऐसा ऐसा माना जाता है। और उसके बाद पेशेंट की रिकवरी बहुत ही मुश्किल होती है। हिपेटाइटिस बी में कुछ कुछ केसेस में जो क्रॉनिक केसेस है जिन्हें सालों साल ट्रीटमेंट चालू रखना पड़ सकती है। हिपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट आइडियली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के अंडर में लेना चाहिए। और हिपेटाइटिस बी का वैक्सीन अब लास्ट 10 ईयर्स से गवर्नमेंट शेड्यूल्स में भी आया है। तो अब जो केसेस अब जो बच्चे हैं उनमें 90% चांस है, उनमें ऑलमोस्ट 98% चांस है कि उन्हें हिपेटाइटिस बी नहीं होगा। जो बच्चों ने वैक्सीन ली होती है हिपेटाइटिस बी की, उन्हें 95 to 98% चांस होता है कि उन्हें लाइफ में कभी भी हिपेटाइटिस बी नहीं होगा। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है उन्होंने वैक्सीनेशन करा के लेना चाहिए हिपेटाइटिस बी का। तो ये था वीडियो आज का हिपेटाइटिस बी पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर हिपेटाइटिस बी से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।